नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा बिष्ट और बहुत बहुत स्वागत है आपका चुनावी मौज के इस नए एपिसोड में। गुजरात के राजकोट का टीआरपी गेम जोन अग्निकांड इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। 25 मई को लगी इस आग में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आग इतनी भयानक थी कि सभी शव बुरी तरह से जल गए थे। इस बीच राजकोट से बीजेपी के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें देखकर मृतकों के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने सिविल अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्हें देखकर परिजनों ने भड़कते हुए कहा कि 25 मई को घटना घटी थी और आप आज लोगों से मिलने पहुंचे हैं। इस बीच रूपाला ने कहा कि मैं अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हूँ, मैं इस घटना को लेकर लगातार अपडेट ले रहा था। इस पर गुस्साए परिजनों ने कहा कि इतने दिनों से आप कहाँ थे। फिर लोगों ने कहा कि आप आज मीडिया में फोटो खिंचवाने आए हैं। बता दें कि इससे पहले गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया था कि इस अग्निकांड में शव इतनी बुरी तरह से जल गए हैं कि उनकी डीएनए के जरिए शवों की पहचान की जा रही है। अब तक डीएनए टेस्ट कर 9 शवों की पहचान की गई है। फॉरेंसिक साइंस लैब की मदद से डीएनए प्रोफाइलिंग के जरिए और भी शवों की पहचान की जाएगी। हालांकि डीएनए टेस्ट की इस प्रक्रिया में बहुत समय लग रहा है। इस बीच पीड़ित परिवारों को शव सौंपे जाने को लेकर राजकोट सिविल हॉस्पिटल के बाहर इंतजार कर रहे हैं, जिनकी सोमवार को स्थानीय पुलिस से गहमागहमी भी हुई। गृह मंत्री सांघवी ने गांधीनगर में फॉरेंसिक साइंस लैब का दौरा कर बताया कि अब तक डीएनए के जरिए 9 पीड़ितों की पहचान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रियजनों को खोने वाले पीड़ित परिवारों के दर्द और गुस्से को समझ सकता हूं। एफएसएल 2400 घंटे काम कर रहे हैं। पूरे एफएसएल स्टाफ ने अपनी छुट्टियां और अन्य प्लान कैंसिल कर दिए हैं, ताकि सभी डीएनए सैंपल्स का जल्द से जल्द मिलान किया जा सके। मैंने इस मामले में स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी हर घंटे मामले का अपडेट ले रहे हैं और इस घटना में अब तक 27 लोगों की मौत हुई है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। टीआरपी गेम जोन के 6 साझेदारों के खिलाफ गैर हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।